ब्रेड पिज़्ज़ा तो आपने बहुत बार बनाया होगा और बहुत तरीके से बनाया होगा, बट एक बार मेरे कहने पे इस तरीके से एक बार चीज़ी ब्रेड पिज़्ज़ा की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही फटाफट बन जाता है, बट खाने में बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही लाजवाब लगता है। आप इसे बना के जिसे भी खिलाएंगे ना, वो आपकी तारीफ़ के बिना नहीं रुकेगा। ये बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा, तो आप भी इस तरीके से एक बार चीज़ी ब्रेड पिज़्ज़ा की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये सिंपल तवे पे बन के तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही लाजवाब लगता है। आपको जब भी पिज़्ज़ा खाने का मन करे, आप इस तरीके से चीज़ी ब्रेड पिज़्ज़ा की रेसिपी को बनाइए और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इंजॉय करिए, क्योंकि ये रेसिपी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जूही और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल आयांस किचन में। तो चलिए आज की बहुत ही सिंपल और मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। चीज़ी ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमें ब्रेड लेना है, तो यहाँ पे मैंने दो ब्रेड लिया है और ये नॉर्मल जो सैंडविच वाली ब्रेड आती है ना, वही मैंने लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक ब्रेड को साइड में रख देंगे और अब हम एक ब्रेड को लेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। अच्छे से हमें पिज़्ज़ा सॉस को लगाना है, तो सब तरफ पिज़्ज़ा सॉस को अच्छे से लगा दें। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से पिज़्ज़ा सॉस को लगा दिया है। सॉस लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर डालेंगे मोज़रेला चीज़। तो यहाँ पर खूब सारा मोज़रेला चीज़ डाल दें, चीज़ तो सभी का फेवरेट होता है, तो यहाँ पे चीज़ में कोई कंजूसी नहीं करनी, इसे भर भर के डालना है। और चीज़ डालने के बाद अब हम रखेंगे दूसरा ब्रेड और इसे एक बार थोड़ा सा अच्छे से दबा देंगे हाथों से। और अब हम इसके ऊपर रखेंगे चीज़ की एक स्लाइस। अगर आपके पास चीज़ स्लाइस ना हो तो आप इसकी जगह मोज़रेला चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियाँ कट कर ली हैं, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और कॉर्न को मैंने लिया, इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे ये सारी सब्जियाँ। तो सारी सब्जियों को हमें अच्छे से डाल देना है इसके ऊपर। सब्जियां आप अपने अकॉर्डिंग इस पर डाल सकते हैं, कम ज़्यादा, और अगर आपको सब्जियों में पनीर ऐड करना है तो वो भी इसमें डाल सकते हैं। और टमाटर का बीज हटा देना है, इसमें बीज नहीं होना चाहिए। और सब्जियां डालने के बाद अब हम इसके ऊपर डालेंगे फिर से खूब सारा मोज़रेला चीज़। तो अगर आपके पास चीज़ स्लाइस ना हो तो आप उसकी जगह भी मोज़रेला चीज़ का ही यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल ऐसे ही बन के तैयार होगा। चीज़ डालने के बाद अब हम इसके ऊपर डालेंगे चिली फ्लेक्स और अब हम इसके ऊपर डाल देंगे ओरिगेनो। ओरिगेनो मैं थोड़ा इस पर ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद है। अब हम चलते हैं इसे कुक करने के लिए, यानी पकाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, इसमें थोड़ा सा हम बटर ग्रीस कर देंगे, तो बटर को अच्छे से ग्रीस कर लेना है। और अब हम रख देंगे पिज़्ज़ा को कुक होने के लिए, यानी बेक होने के लिए। तो लो फ्लेम पर हमें इसे कवर करके पकाना है। और ये मैं ग्लास वाला लीड से इसे कवर कर रही थी ना, ये थोड़ा छोटा पड़ा था, तो यहाँ पे मैंने इस लीड से इसे कवर किया है। और अब हम इसे 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएंगे, यानी कि जब तक चीज़ अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता। और ध्यान देना है कि नीचे से ब्रेड जले नहीं। तो ये देखिए, 4 मिनट बाद हमारा पिज़्ज़ा एकदम बन के तैयार है। आप देख सकते हैं चीज़ कितना अच्छे से मेल्ट हो गया और देखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा है, बहुत ही अमेजिंग बन के तैयार हुआ है। अब हम चलते हैं इसे कट करने के लिए। तो ये हमारा सुपर टेस्टी, बहुत ही अमेजिंग पिज़्ज़ा बन के तैयार है। आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी बना है। अब हम इसे कट कर लेंगे, तो बहुत ही अच्छे से ये बेक हो गया, यानी चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गई है, बस ऐसा ही तो हमें चाहिए। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में, स्वाद तो इतना अच्छा है कि आपको बहुत पसंद आएगा, ये मेरी गारंटी है। आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। ये देखिए हमारा सुपर टेस्टी, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही लाजवाब चीज़ी ब्रेड पिज़्ज़ा बन के तैयार है। इसमें चीज़ तो हमने खूब सारा भर भर के डाला है, ये आपने देखा ही, इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है। अब मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखाती हूँ कितना अच्छे से चीज़ मेल्ट हो गया है। और ये देखिए, देख के आ गया ना मुँह में पानी, बहुत ही अमेजिंग बन के तैयार होता है। आप एक बार मेरे कहने पर इसे ज़रूर से ट्राई करिएगा, आपके घर में बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आएगी। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और रेसिपी ट्राई करने के बाद कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।